हाँ जी, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम लोग। जैसा कि आपने देखा 20 वकैब हमारे हो चुके हैं, 20 वकैबलरी हो चुके हैं, हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। 20 का मतलब 20 × 3 यानी 60 वकैबलरी। आपका काम है अगर धीरे धीरे आप वीडियो देखते जाएंगे और धीरे धीरे मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके एक दिन आएगा काफ़ी वर्ड पावर हो जाएगा। अगर आप सोचें कि एक दिन में सारे याद कर लें तो बहुत मुश्किल है वर्ड पावर को ध्यान में रख पाना। चलिए मैं अब नेक्स्ट वर्ड आपको रिवाइज कराता हूँ, तैयार कराता हूँ, मतलब सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, अब इसको याद करना हो सरकमस्पेक्ट। देखिए प्रोनाउंसिएशन पे मत ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा क्या कहते हैं। मेरा काम है आपको बस शब्द तक पहुंचाना, शब्द में आपको आगे रखना। तो सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, सरकमस्पेक्ट को अगर देखें तो इसमें क्या छिपा हुआ है, सर और सरकमस्पेक्ट। यानी अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं, सर और स्पेक्ट, तो इसको मिला के क्या बनाएंगे। सर का रिस्पेक्ट हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सर का रिस्पेक्ट हमें कैसे करना चाहिए, सावधानी पूर्वक। यानी सर का रिस्पेक्ट हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सावधानी का मतलब केयरफुल और कॉशियस। प्रोनाउंसिएशन फिर से मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, मेरा काम है आपको वहां शब्द तक पहुंचाना। अगर आपने शब्द तगड़े कर लिए, शब्द पावर आपके पास ज्यादा हो गया तो एंटोनियम सिनोनियम्स आपको ढूंढने में आसानी होगा। तो सर का रिस्पेक्ट का मतलब सर का रिस्पेक्ट हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, यानी केयरफुल और कॉशियस। नेक्स्ट वर्ड है डिंगी। डिंगी का मतलब होता है, डिंगी मतलब धुंधला। अगर ध्यान रखना है डिंगी को तो डिंगी में क्या कर सकते हैं, हम डिंगी के बारे में देखें, DINGY, तो हम ये बोल सकते हैं डिन और वाई जी, मतलब क्या हो गया डॉन जी, क्या कह सकते हैं डॉन जी। तो डिंगी मतलब डॉन जी, डॉन जी को बहुत ही क्या दिखाई देने का, धुंधला। अब डॉन जी अपने समय में रहे होंगे बहुत ही, अब क्या कर सकते हैं आपको पता होगा, तो डॉन जी को अब धुंधला दिखाई देने लगा। डिंगी मतलब डॉन जी को धुंधला दिखाई देने लगा, DINGY, डॉन जी को धुंधला दिखाई देने लगा। ट्रिक पे ध्यान रखेंगे, वर्ड मीनिंग नहीं याद करेंगे, वर्ड मीनिंग अपने आप याद होगा, बस ये चीज ध्यान रखना है। डॉन जी को धुंधला दिखाई देने लगा यानी डिंगी। क्या बनेगा सिनोनिम्स, मर्की, MURKY, मर्की एंड डार्क एंड डर्टी। मर्की मतलब भी होता है धुंधला दिखाई देना, डार्क एंड डर्टी का भी मतलब धुंधला दिखाई देना। 23वां शब्द है कैपासियस। कैपासियस का मतलब होता है बहुत विशाल। अब इसमें देखिए तो क्या छिपा हुआ, कैपासियस, तो यानी कि अगर देखा जाए तो कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि बहुत विशाल। कैपासियस का मतलब बहुत विशाल, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर है, अगर वो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर काम कर रहा है, यानी कैपेसिटी से बढ़कर बहुत बड़ा काम कर रहा है यानी विशाल। तो यानी अगर कोई दुबला पतला इंसान है और मान लीजिए पहले ही आते ही मैच चल रहा है, क्रिकेट हो रही है, और क्रिकेट की प्रतियोगिता में कोई व्यक्ति है जो बहुत दुबला पतला सा है, बहुत ही पहली बार उसका पहला दिन है, जिसे कोई देखा नहीं है कैसा खेलता कैसा नहीं खेलता, पहुंचते ही अगर वो छक्का, सबसे बड़ा लंबा छक्का मार दे तो सब क्या कहेंगे, कैपेसिटी से बढ़कर इसने अपना काम कर दिया। यानी कि जो कोई भी छक्का यहाँ पे नहीं मार पाता था आसानी से, वहां पर ये आके कैपेसिटी से बढ़कर काम कर दिखाया, यानी कैपासियस। और उसको क्या बोलते हैं, ह्यूज सिक्स। क्या बोलेंगे कमेंट्रेटरी, इंग्लिश कमेंट्रेटरी वाले क्या बोलेंगे, जैसे वो कैपेसिटी से बढ़कर सिक्स लगाएगा तो कमेंट्रेटरी वाले बोलेंगे ह्यूज सिक्स, मतलब सबसे लंबा छक्का यानी विशाल छक्का। ठीक है, तो यानी कि विशाल सिक्स एक हिसाब से बोल सकते हैं, लार्ज सिक्स। देखिएगा तो इसका मतलब आपको क्या हो गया कि कैपासियस मतलब बहुत बड़ा यानी विशाल, यानी ह्यूज, अटेंडेंट, HUGE, ह्यूज। अटेंडेंट की स्पेलिंग देखिए, AKUNDANT, अटेंडेंट मतलब होता है बहुत विशाल। अगला है रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब होता है बदला लेना। अब देखिए रिप्राइजल को कैसे याद करेंगे, मान लीजिए दो लोग हैं जिनमें प्रतियोगिता होता है। अब अगर एक ऐसा है जो थोड़ा नटखट है, शरारती है, जो परेशान करता है, छेड़ता रहता है, एक ऐसा जो बड़ा सीधा साधा है, सपोज दैट अगर वो सीधा वाला प्राइज जीत गया तो अब वो जो थोड़ा सा बदतमीज करेक्टर का है वो क्या करेगा, बार बार उसे परेशान करेगा, छेड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो सीधा वाला क्या कहता है पता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो लड़ाई वड़ाई नहीं, मैं तो बहुत सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ट का पर्सन हूँ। यानी वो क्या कहेगा, मैं बड़ा सीधा साधा हूँ, मैं सॉफ्ट हार्ट पर्सन हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं दोबारा यानी रिप्राइज लेकर, मैं दोबारा प्राइज लेकर उससे बदला ले लूंगा। यानी रिप्राइज, रिप्राइजर का मतलब रिप्राइज लेकर मैं बदला ले लूंगा। तो यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि रिप्राइज लेकर क्या कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं किसी से। कुछ सीधे लोग कुछ कह नहीं पाते किसी को, लेकिन क्या कर सकते हैं, रिप्राइज यानी दोबारा प्राइज लेकर क्या करेंगे, बदला ले लेगा। सिनोनिम्स क्या बनेगा, रिवेंज। रिवेंज बचपन से पढ़ा होगा। एवेंज, रिवेंज एवेंज क्या हो गया, रिप्राइजर।
उसके बाद आता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल वर्ड को अगर देख रहे होंगे ध्यान से तो इसमें क्या छिपा हुआ, टी आर ए आई एन क्यू यू आई एल। ट्रैंक्विल में अगर देखा जाए तो ट्रेन और क्विल, इसका मतलब हो गया ट्रेन में कुली। इसका मतलब क्या होगा, ट्रेन में कुली लोगों को क्या कर रहा है, शांत करा रहा है। ट्रेन में कुली सभी यात्रियों को क्या करा रहा है, शांत करा रहा है, यानी ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब ट्रेन में कुली सभी यात्रियों को शांत करा रहा है। क्या क्या हो सकता है शांत का स्पेलिंग, सिनोनिम्स काम सी एल एम काम एंड कूल सी डब्ल्यू एल कूल, इसका भी मतलब शांत होता है। चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। 21वां वर्ड क्या था, 21वां वर्ड सरकमस्पेक्ट, सर का रिस्पेक्ट बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। 22वां क्या था, डिंगी, डॉन जी को अब क्या दिखाई देने लगा, धुंधला दिखाई देने लगा। 23वां वर्ड क्या, कैपेसियस, कैपेसियस का मतलब कि आपको पता है कैपेसिटी से बढ़कर, कैपेसिटी से बड़ा, कैपेसिटी से बढ़कर यानी विशाल काम कर दिया, यानी कैपेसियस। रिप्राइजल मतलब बदला लेना, रिप्राइज लेकर बदला ले लेगा। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब शांत कराना, ट्रेन में कुली सभी यात्रियों को क्या करा रहा है, शांत करा रहा है। समझ में आ गया, इस हिसाब से देखा जाए 25 3 75 75 वर्ड्स हो गए हैं आपके, 25 पे ध्यान रखेंगे। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे।